सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल को और ज्वाइन कीजिए हमारी टेक फैमिली को। दोस्तों फाइनली MIUI 10 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की। इंटरेस्टिंग फीचर्स की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आपके मन में तीन सवाल जरूर से आए होंगे कि भाई पोर्ट्रेट मोड मिला है या नहीं मिला है, या फिर हमें फुल स्क्रीन जेस्चर्स मिला है या नहीं मिला है, या फिर एक सवाल और आता है कि बीटा वर्जन में कब आएगा भाई। ये तीन सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको गोली मारो, बाकी ये तीन सवालों के जवाब जोर से इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जब MIUI 10 इंडिया में लॉन्च हो चुका है तो सवाल के जवाब मिलना तो ऑब्वियस ही बात है, तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सो विदाउट फॉर एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अब यहाँ सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं MIUI 10 की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की, तो इंटरेस्टिंग फीचर में सबसे पहला फीचर हमारे सामने के लिए आता है पोर्ट्रेट मोड का। अब पोर्ट्रेट मोड का तो हम वेट कर रहे थे, आपके सवाल बहुत सारे आते थे मेरे पास कि पोर्ट्रेट मोड आएगा नहीं आएगा, भाई बता दो पोर्ट्रेट मोड नहीं आएगा तो वैसे बताओ, आएगा तो वैसे बताओ। तो मैंने उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करो, 7 जून तक वेट कर लो, पता चल जाएगा। तो आज पता चल गया कि पोर्ट्रेट मोड फाइनली रेडमी के सभी डिवाइस में दे दिया जाएगा, मतलब आने वाले अपडेट्स में आपको पोर्ट्रेट मोड का अपडेट भी मिल जाएगा। जब आपके मोबाइल में MIUI 10 का अपडेट आएगा तो उसी के साथ में आपको पोर्ट्रेट मोड का अपडेट मिल जाएगा, चाहे आपके मोबाइल में सिंगल कैमरा ही क्यों ना हो, वो AI की मदद से आपका बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। तो ये अच्छी बात है, Xiaomi इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ सोचता है। हमें लगा था कि चाइना में ही कुछ देगा, लेकिन इंडिया में भी आपको ये पोर्ट्रेट मोड का सिस्टम दे दिया गया है। दूसरा जो मर्दान में इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा था वो आ रहा था फुल स्क्रीन जेस्टर्स के ऊपर। तो फुल स्क्रीन जेस्टर्स की जहां तक हम बात करते तो किसी भी Redmi डिवाइस में नहीं दिया गया है, सिवाय 18:9 वाले, मतलब 18:9 जो डिस्प्ले वाले मोबाइल है केवल उन्हीं के अंदर ये फुल स्क्रीन जेस्चर्स का सपोर्ट मिलेगा, जैसे Redmi Note 5, Redmi 5, बाकी अदर जो भी डिवाइसेस हैं उनमें ही आपको मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि क्या Redmi Note 4, Redmi Note 3 वगैरह वगैरह डिवाइस में क्या फुल स्क्रीन जेस्चर्स का सपोर्ट मिलेगा, तो जी नहीं, इनमें फुल स्क्रीन जेस्चर्स का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फीचर हमारे सामने निकल के आता है वो आता है कैमरा ऐप में। अब कैमरा ऐप में क्या है दोस्तों, इस कैमरा ऐप के जरिए आप पेटीएम के पे कर सकते हैं, मतलब स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप स्कैन करके आप पेटीएम के द्वारा पे करते हैं, तो अगर आप अपने कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कैमरा एप्लीकेशन के द्वारा बारकोड स्कैन करेंगे पेटीएम वाला, तो उसके द्वारा आप डायरेक्टली अपने पेटीएम ऐप में ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो ऐप, और ऑटोमेटिकली आप पे कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि कैमरा ऐप में भी इतना इंपॉर्टेंट किया गया है। जो अगला फीचर हमारे सामने निकल के आता है वो आता है मैसेजिंग ऐप में। अब मैसेजिंग ऐप में बहुत सारे शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास एक मैसेज आता है ICICI बैंक का, अगर आप उस साइट के ऊपर जाएं तो नीचे आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली आप साइट पे जा सकते हैं ICICI बैंक की, तो एक अच्छी बात। जहाँ पे आपने देखा होगा वी चैट के अंदर होता है, उसी तरह से आप डायरेक्टली वहाँ पे भी जा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारे सामने। जो अगला हमारे सामने आता है वो आता है रिसेंट्स बार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी कर देगी है। रिसेंट जो मेन्यू है वो बहुत ही अच्छा कर देगा, इसमें आपको 6 ऐप आप देख सकते हैं डायरेक्टली, 6 ऐप को डायरेक्टली आप रिसेंट में देख सकते हैं क्या कुछ कहाँ कुछ चल रहा है, और आपको जो रैम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा कर दिया गया है ये बताया गया है। और आपको जो डिज़ाइन है MIUI 10 का वो तो खैर आप सभी जानते हैं किस तरह से होने वाला है, जैसे नोटिफिकेशन बार कैसे होने वाली है, नेविगेशन बटन्स वो तो खैर है ही जो भी है, बाकी क्या कुछ इंटरेस्टिंग है वो मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, तो आप सभी जानते हैं क्या कुछ किस तरह से नोटिफिकेशन बार होने वाली है, XY सभी जानते हैं। दोस्तों मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने निकल के आता है वो आता है क्या बीटा वर्जन में कब आ रहा है। तो बीटा वर्जन की मैंने जब लॉन्च इवेंट चल रहा था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं अगर सारे मोबाइल्स का नाम लेने बैठ गया तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, कुछ मतलब है नहीं, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके किस डिवाइस में सबसे पहले आएगा। मैं जूम कर रहा हूँ इसको, तो जूम करके आप सब देख सकते हैं किस किस डिवाइस में सबसे पहले आने वाला है। तो मेरे हिसाब से जून के जो मिड आएगा, मतलब 15 जून जो आ रही है वहां से आपको 15 जून या फिर 16 जून से जब शुक्रवार आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, वहां से आपको अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी डिवाइसेस में मिल जाएगा, जिसमें पहला बैच अलग आता है, दूसरा बैच अलग आता है, तीसरा बैच अलग आता है, मतलब ये मान के चलिए कि जुलाई के एंड तक आपकी सभी बीटा वर्जन में आपको XYZ सभी को आपको MIUI 10 का अपडेट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि बीटा वर्जन में जल्दी आ रहा है, लेकिन स्टेबल वर्जन वालों के लिए भी जल्दी किया जाए तो वो एक अच्छी बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको सारे डाउट जो भी थे सारे क्लियर हो गए होंगे, और हमारे चैनल के ऊपर ही सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सबसे पहले। तो मुझे उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना, मैं मिलता हूं आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।